कक्षा आठ गणित का पेपर क्लास एट मैथ क्वेश्चन पेपर देखिए पहला क्वेश्चन है, है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए निम्नलिखित में परम संख्या है तो परमय संख्या आपका ए भी है परमे संख्या ए भी है परमे संख्या ए भी है, है तो आंसर हो जाएगा सभी समीकरण एक्स प्लस तीन पाँच का हल बताइए तो प्लस में रहता है तो बराबर से उधर जाता है तो माइनस हो जाता है तो एक्स बराबर एक्स बराबर हो जाएगा पाँच माइनस तीन यानी कि दू आ जाएगा आंसर तो आंसर हो जाएगा ख नंबर अगला क्वेश्चन देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तीन सौ साठ डिग्री होता है माइनस पाँच बटा दो का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है तो हो जाएगा दो बटा माइनस पाँच आंसर हो जाएगा ख नंबर अगला क्वेश्चन देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग एक सौ अस्सी डिग्री होता है अगला क्वेश्चन देखिए तीन के पार तीन स्क्वायर पर दस का स्क्वायर क्या होगा तो तीन का स्क्वायर नौ होता है दस के स्क्वायर सौ होता है तो जोड़ेंगे तो एक सौ नौ आ जाएगा तो एक सौ नौ आंसर हो जाएगा पहले तो चार से जीरो में गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा फिर जीरो से पाँच में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी जीरो आंसर आ जाएगा एक पासे को फेंकने पर आने की प्रयोगता बताना है तो एक बटा छः हो जाएगा देखिए एक दो तीन चार ये पांच बार इसको पढ़ते हैं पांच और को मतलब दो लाइन तो हो गया सात चार क्या है तो चार में दो से भाग लग जाएगा तो सौम संख्या है तो सम हो गया चलिए तीसरा क्वेश्चन मिलान करने वाला है यहाँ पर तीन देने का मतलब होता है घनमूल तो दो आठ को कितना बार लिख सकते हैं तीन बार तो तीन गो का जोड़ा लगता है घनमूल में तो आंसर हो जाएगा दो इसका आंसर हो गया घ नंबर माइनस दो का पावर क्यू है तो माइनस आठ हो जाएगा तो इसको मिला देंगे अंगों में पाँच सौ बारह पाँच सौ बारह जो है आठ का क्यू है तो इसको ख में मिला देंगे चार सौ के वर्ग में शून्य की संख्या क्या होगी चार सौ के वर्ग में शून्य की संख्या जो होगी चार सौ चार सौ है ना जी तो इसका शून्य की संख्या क्या होगी वर्ग करेंगे तो तो का सोल है, आ चार चौका सोलह और चार गो जीरो हो जाएगा वर्ग कीजिएगा तो इसको हम मिला देंगे कम है पच्चीस का वर्गमूल मूल पाँच हो जाएगा क्योंकि पाँच का स्क्वायर है तो इस तरह से ये बन गया चलिए छ नंबर यानी कि अब आपको क्वेश्चन नंबर चार बताता हूँ चार नंबर पर ध्यान दीजिए देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया ऊपर हो जाएगा छ तुरी अठारह नीचे हो जाएगा सात पचास पैंतीस माइनस रहेगा तो माइनस अठारह बटा पैंतीस हो जाएगा ठीक है माइनस अठारह बटा पैंतीस अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तीन और ये माइनस रहेगा तो माइनस चार हो जाएगा ठीक है पचहत्तर का वर्ग है पचहत्तर का वर्ग कर देंगे पचहत्तर गुड़े पचहत्तर या हम ट्रिक बताए हैं वर्ग निकालने का वीडियो देख सकते हैं छप्पन पच्चीस हो जाएगा चौबीस का स्क्वायर माइनस तेईस का स्क्वायर तो चौबीस का स्क्वायर करके लिखना है फिर आपको तेईस का स्क्वायर करके लिखना है और घटा देना है जीरो ये तो जीरो हो जाएगा ठीक है और ये सैतालीस आ जाएगा बरमूल ज्ञात करें एक सौ छियानवे यानी ये, ये चौदह का स्क्वायर है ठीक है चौदह का स्क्वायर है फैक्टर करके निकाल देंगे चौदह आंसर आ जाएगा और ये जो है सात सौ उनतीस सताईस का स्क्वायर है सताइस आंसर हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं घनमूल ज्ञात करें सत्रह सौ अट्ठाईस तेरह सौ इकतीस तो देखिए सत्रह सौ अट्ठाईस है ये आपका बारह का स्क्वायर है किसका स्क्वायर क्यू है जी बारह बारह का है बारह का क्यू है घनमूल निकालना है तो बारह का क्यू करेंगे तो आ जाएगा बारह आंसर और ये ग्यारह का क्यू है ग्यारह गुड़े ग्यारह गुड़े ग्यारह यानी ग्यारह के घनमूल हो, हो जाएगा ग्यारह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सात देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आठ एक्स प्लस आठ बराबर तीन दून एक्स छाला एक तरफ करेंगे आठ एक्स माइनस एक्स आ नौ माइनस आठ तो हो जाएगा दो एक्स बराबर एक तो एक्स बराबर एक बटा दो, एक बटा दो आंसर हो जाएगा आठ नंबर क्वेश्चन देखिए वह छोटी से छोटी संख्या याद कर जो इतना से भाग देने पर वह परिपूर्ण घर बन जाए क्या बन जाएगी घन बन जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे इसका फैक्टर करेंगे इसका फैक्टर कीजिएगा तो देखिए क्या क्या पाँच आएगा पांच आएगा पांच आएगा पांच आएगा पांच आएगा पांच आएगा तो घनमूल में तीन गो के जोड़ा लगता है बचा दो गो एक पांच से और ही गुणा कर देंगे तो भरपूर घन बन जाएगा तो आंसर हो जाएगा पांच देखिए बना हुआ भी है एक सौ छानबे का वर्गमूल निकालिएगा चौदह आ जाएगा इसको निकालेंगे इस तरह से तो इतना आ जाएगा इसका घनमूल निकाले बारह आया है इसका घनमूल निकाले ग्यारह आया है ठीक है उसके बाद हम इस क्वेश्चन को, को भी बनाए हुए हैं देख सकते हैं आप इसको बनाइए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा एक पटा दू आ जाएगा ठीक है उसके बाद इसको भी घनमूल कीजिएगा तो देखिए आ जाएगा आपका पाँच क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है फैक्टर कर दे इतना का फैक्टर है अब एक एक और पाँच चाहिए तो हाँ तो एक और पाँच यहाँ पर रहेगा तो ये पूर्ण मैंने पूरा पूरा परिपूर्ण घन हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर देखिए एक बाल मेले में यानी एक बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को दो कॉलम विजेता को छ से सभी छात्रों को एक कॉलम दिया गया सौ छात्रों के बीच एक से बीस कॉलम विजेता की संख्या बताना है और जाँच कीजिए क्या ये पैथागोर ट्रिक है छात्रों की कुल संख्या सौ है कॉलमों की संख्या एक सौ बीस है विजेता छात्रों की संख्या एक तो सौ माइनस एक सौ गया शेष छात्रों की संख्या तो एक सौ गुणे दो है सौ माइनस एक सौ गुणे एक बराबर एक सौ बीस ये हो जाएगा दो एक सौ और ये हो जाएगा एक्स तो घटाएंगे तो एक्स हो जाएगा सौ जाकर माइनस हो जाएगा एक्स बराबर बीस विजेता संख्या जो है बीस हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए पाइथागोरस क्या होता है दो संख्याओं का युक्त इसे के बराबर होना चाहिए तो चौबीस का स्क्वायर इतना होता है सात के और पच्चीस के चौबीस के और सात के स्क्वायर करेंगे तो छः सौ पच्चीस पच्चीस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इसलिए पाइथागोरस ट्रिक बनाते हैं